कोविड-19 का असर साल 2020 के सभी त्योहारों पर देखने को मिला। पिछले साल बाजारों से भीड़ नदारद रही और व्यापार में मंदी रही, मगर इस बार लोहड़ी का त्योहार कोरोना वैक्सीन की खबर के साथ साथ रौनक भी लेकर आया है। बाजारों में लोग खरीदारी के लिए उमड़े। मूंगफली रेवड़ी के साथ साथ पतंगों की भी जमकर खरीदारी हुई। देखिए टुडे हेडलाइंस टीम की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे हेडलाइंस, मैं हूं निशा प्रभा। लोहड़ी का त्यौहार है और हर तरफ रौनक देखने को मिल रही है। कोरोना के बाद कोविड-19 की हिदायतों के साथ साथ ये एक पहला मौका है जब बाजार इस तरह से गुलजार दिख रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं शहर का सबसे व्यस्ततम ये चौक है, लाइटों वाले चौक की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहाँ जहाँ तक दूर तक आपकी नज़र जाएगी गाड़ियों का काफिले हैं और बहुत से लोग निकले हैं खरीदारी करने के लिए, रश काफ़ी है। और कोविड के बाद की ये जो तस्वीरें हैं, हालांकि कोविड का खतरा अभी भी बरकरार है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा संकेत बाजारों के लिए, व्यापार के लिए कि लोग खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। सतर्कता बहुत ज़रूरी है। हालांकि मेरा मास्क भी मैंने अभी पॉकेट में रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हम की हिदायतें जो है सारी वो पालना करें। और आप भी जब भी बाज़ारों पर निकलते हैं अपने मास्क ज़रूर पहने। मेरे कैमरामैन अभी भी मास्क पहनकर ये शूट कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम इस तरह के दौर से गुजर रहे हों, जब हमने एक बहुत लंबा गैप, एक पूरा साल हमने बिताया हो कोरोना की दहशत के बीच, तो इसके बीच ये गुलजार हुए बाज़ार व्यापार के लिए बहुत अच्छे। हम कोशिश करेंगे कुछ दुकानदारों से बात करवाएंगे। और चहल पहल जो आप बाज़ारों में दिख रहे हैं एक काफ़ी अच्छा संकेत व्यापार के लिए, तो यहाँ कुछ दुकानदारों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। सतीश कुमार जी, जो कोरोना के बाद ऐसा पहला मौका है जब बाजारों में चहल पहल देखने को मिल रही है, क्या नहीं, अब तो रौनक वही है। दिवाली के बाद बाजार में रौनक आई है। पहले तो बहुत बुरा हाल था, कारोबार बिल्कुल ठप था। अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है काम और ठीक चल रहा है काम। सीधा सरकार से आपको किस तरह की उम्मीदें हैं, क्योंकि इम्पोर्ट अभी भी बंद है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अभी भी बंद है, सरकार से आप क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं आने वाले समय? देखो, ये आने वाले समय में ये है, सरकार जो है वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है बेरोजगारी है, ठीक है। अगर बेरोजगारी हर आदमी करके काम मिले तो अपने आप काम ठीक हो जाता है, बस यही है। तो कोरोना की मार जो है वो व्यापार में भी पड़ी थी और सबसे ज़्यादा जो कमर टूटी थी वो व्यापारियों की, छोटे व्यापारियों की थी, ये इनका कहना है। कुछ और दुकानदारों से बात करेंगे, कुछ महिलाओं से बात करेंगे जो खरीदारी करने बाजार में उतरी हैं। जी अपना नाम बताएं। वरुण खेर। बताएं, व्यापार में किस तरह की आप तेजी देख रहे हैं या पहले जैसा ठंडा चल रहा है? तेजी तो मार्केट में पहले आई थी, अब जब से ये विवाह शादी बंद हुई है वैसे मार्केट फिर कोरोना जैसा ही हाल हो गया मार्केट में। आज ये जो चहल पहल आप देख रहे हैं बाजार में, खुशी महसूस होती है आपको? खुशी तो महसूस होती है, काम उनका ही है जिनका, बस रेवड़ियाँ मूंगफली बस यही खरीदारी कर रही है कस्टमर, तो वैसे तो मार्केट बहुत मंदी है। लेकिन फिर भी त्यौहार के समय अगर कोई बाजार में निकल रहा है तो कुछ ना कुछ तो आपको भी फायदा देकर जाएगा। फायदा तो देता ही है, फायदा तो, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो पहले लोहड़ी का त्यौहार जिस टाइम मार्केट में चहल पहल होती थी, वो चहल पहल नहीं है। पहले से जो है असर ज़रूर देखने को मिल रहा है कोरोना का, और कोविड के बाद बहुत लंबा समय जो है वो इसी तरह से गुजरा। कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि चहल पहल यहाँ पर है, रेवड़ियाँ मूंगफली और स्टॉल जो यहाँ पर लगे हुए हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं लोहड़ी के त्यौहार के लिए। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, अपना नाम बताएं। मेरा नाम वंशिका। वंशिका, आप कहाँ से आई हैं? मैं पठानकोट से ही हूँ, लोकल। खरीदारी कर रहे हैं कोविड के बाद, एक बहुत लंबे गैप के बाद ऐसा मौका आया है जब लोग बाजारों में आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट त्यौहार है पूरे साल का, बहुत चहल पहल है कोरोना को, मतलब कोरोना के बाद सबसे पहला त्यौहार देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कैसी एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटेड है। तो क्या क्या खरीदारी करने वाली है आज? आज सब लोहड़ी का सामान, मूँगफली गच्चक और जो सारा सामान होता है वो ले रहे हैं। कोविड ने बहुत असर डाला हमारी खरीदारी पर भी, और आज दोबारा से बाजार खुले हैं, सरकार के लिए आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगी? सरकार को क्या कहना चाहेंगी कोविड के बारे में, क्या क्या? बस अब तो वैक्सीन आ गई है,
अब बस वैक्सीन सबको मिले जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, और अपने जो प्रिकॉशंस हैं वो सब लें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें सारा, जब भी जाते हैं घर सामान लेके सब सैनिटाइज करें, बस पूरी जो हिदायतें हैं सरकार के द्वारा वो पालना की जाए ताकि त्यौहार जो आने वाले हैं वो भी हम इसी तरह से मना सकें। और नज़ारा आप पीछे देख रहे हैं, भीड़ पूरी तरह से आज गांधी चौक पर खूब चहल पहल, और लोहड़ी का जो त्यौहार है उसके लिए लगातार लोग खरीदारी के लिए निकलते हुए बाज़ारों में आप देख रहे हैं। कुछ दुकानदारों से और बात करने की कोशिश करेंगे। नाम बताएं। मेरा नाम श्याम लाल। आप जो स्टॉल लगाया है, बहुत टाइम के बाद ऐसी चहल पहल देखने को मिल रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। कौन सा सामान ज़्यादा बिक रहा है? सारा बिक रहा है, रेवड़ियाँ मूँगफली सब कुछ बिक रहा है, खरीदारी कर रहे हैं सभी। कोरोना के डर के बीच भी लोग अभी निकल रहे हैं बाजारों को निकल रहे हैं, ये अच्छा संकेत व्यापारियों के लिए और छोटे दुकानदारों के लिए। हाँ जी, हाँ जी, अच्छी बात है। तो शहर के सबसे व्यस्ततम चौक पर इस वक्त हम हैं, लाइटों वाले चौक पर, और यहाँ से रास्ता जाता है गांधी चौक को। पठानकोट वासी तो अच्छी तरह से परिचित हैं गांधी चौक का और लाइटों वाले चौक का जो ट्रैफिक है, और आप तस्वीरें देख सकते हैं। पिछले लंबे समय से ये तस्वीरें हमें नहीं मिल पा रही थी क्योंकि कोरोना के कारण सड़कों पर भी सन्नाटा था, और आज त्यौहार है तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं लोग निकले हैं खरीदारी करने के लिए, और पुलिस की ओर से प्रबंध किए गए हैं लगातार ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद और सुचारू ढंग से ट्रैफिक चलता रहे इसके लिए पूरी कोशिश जो है मुलाजिमों की ओर से की जा रही है। आप देख सकते हैं नज़ारा पीछे। हालांकि हम ये कहेंगे कि लाइटों वाले चौक की लाइटें जो है वो काम नहीं कर रही हैं, ये हम कहेंगे कि प्रशासन की एक कमी यहाँ पर, लेकिन उस कमी को पूरा करते हुए पुलिस मुलाजिम यहाँ पर तैनात, और जिस तरह से त्यौहार की चहल पहल आप देख रहे हैं, कैमरे की नज़र से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पठानकोट के लाइटों वाले चौक से। लोहड़ी की धूम के बीच आपको हमने शहर के बीच में दिखाई, चहल पहल दिखाई लोगों की, और लोगों से बात करवाई कैसे खरीदारी चल रही है। लोहड़ी का एक और पक्ष बहुत खास रहता है, ये रंग बिरंगी पतंगे जब हवा में उड़ती हैं, जब आसमान पे खुले आसमान में जब उड़ान भरती हैं, तो ये हमारे साहस की, ये हमारे अंदर के भावों को प्रकट करती है कि किस प्रकार खुशी जो है हमारी, और उसे प्रकट करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया ये पतंगे। और ये आप देखें कितनी खास पतंग, ये सच में भरती है ना जोश पतंग, और ये बताती है हमें कि ऊंचे उड़ना जो है हमारी फितरत है, इंसान जो है वो इसीलिए बना है शायद। दुकान के ओनर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताएं। कट कर ली। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल है। उज्जवल, इस पतंग के बारे में बताएं, ये आप खुद बनाते हैं या कहीं से ये आती है? ये आती है अमृतसर और जलंधर से, ये 6 फीट की है, जो लोकल भी बनती है उसमें कुछ डिजाइनिंग अलग होती है। ये बढ़िया वाली डिजाइनिंग है, इसमें डेकोरेटिंग आप देख सकते हैं कैसे कटिंग की हुई है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की कटिंग की हुई है इसमें। तो ऐसी कितनी पतंगे जो है आज आपके पास बिकी हैं? आज मेरे पास ये वाली 10 हो चुकी हैं सेल, ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं, और अभी मेरे पास आई थिंक लास्ट 3 पीस बचे होंगे। तो ये इसको उड़ाने के लिए क्या कोई खास तकनीक? उड़ाने के लिए आजकल वैसे प्लास्टिक डोर चली हुई है, सब उसी से उड़ाते हैं, बट वो है तो नुकसान के लिए। क्या गट्टू? हाँ, वो तो नुकसान वाली चीज है। आप बेच रहे हैं? नहीं, हम नहीं बेच रहे, हमारे पास नॉर्मल डोर है, चरखड़ी वाली जो पहले चलती थी वही बेच रहे हैं, जैसे बरेली डोर चलती रही है पहले, अमृतसर डोर चलती रही है, बट अब गट्टू के कारण सब कहते हैं गट्टू ही लेना है, तो वो ज़्यादा सेल हो रहा है, बट हमने तभी भी गट्टू सेल नहीं किया, बट वही हमारे पास अभी चरखड़ी वाली डोर है। इसको उड़ाया जाता है, उड़ाया जा सकता है इसको चरखड़ी वाली डोर से, बट आजकल गट्टू के कारण ना कोई वो लेना पसंद ही नहीं करता। तो आपके व्यापार पर, आपके व्यापार पर असर बहुत पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, जो भी आता है अगर काट लेने आता है पहले कहता है गट्टू दो, बट गट्टू होता नहीं हमारे पास, वो कट लेके नहीं आता। आप समझाते हैं उनको कि गट्टू के? समझाते हैं कि वो अच्छा नहीं है, कट लग जाए तो ऑपरेट भी करना पड़ सकता है, जैसे कभी वायर पे बढ़ जाए तो करंट भी लग सकता है, ऐसे हानिकारक हुए हैं, ये सब हुआ है, अनदर सिटीज में भी हुआ है, पंजाब की और अनदर सिटीज में ऐसा हुआ है। पठानकोट में गट्टू बिक रहा है इस बार क्या? पठानकोट में गट्टू बिक रहा है, बट ऐसे कहो कि शरेआम तो वो काम नहीं हो रहा, सब चोरी छिपे तो बेच ही रहे हैं, और अगर हमें कहें कि हम गट्टू बेचें तो फिर कम काट नहीं बेच सकते।
तो वो गट्टू वाला एक बदनामी वाला काम है, वो हम करना नहीं चाहते, इसलिए ओनली कैश सेल कर रहे हैं। जमीर जो है वो जागा हुआ है, अभी सोया नहीं है, इसीलिए गट्टू नहीं बेच रहे, लेकिन काइट्स बहुत है इनके पास। देख रहे हैं आप पतंग, रंग बिरंगी पतंगे, आपको देखकर बहुत खुशी होगी, बहुत जितने डिज़ाइन आप देखना चाहें। और लोहड़ी का ये जो मौका है कोविड के बाद, एक बहुत खास मौका लोगों के लिए, और इसे जी भर कर लोग मनाना चाहते हैं, इसीलिए इनके पास भीड़ लगी हुई थी काफ़ी समय से पतंगे खरीदने के लिए। इस बार की पतंगों में बहुत सारी वर्डिंग्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ये तेरा मेरा साथ, इस तरह की वर्डिंग, एक जगह पर लिखा हुआ था दफा हो मोटो, इस तरह की जो वर्डिंग है लड़कों में काफ़ी प्रचलित होती है, और इसीलिए इस खास बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ला के तीन पैग, लेकिन पैग नहीं लगाने, हम आपको नहीं बोलेंगे, टुडे हेडलाइंस आपको ये सलाह नहीं देगा। बहुत सारी वर्डिंग्स और भी आपको मिलेंगी, हैप्पी लोहड़ी यहाँ पर लिखा हुआ है, और पतंगे बहुत खास, कैमरामैन दिखा सके अगर, बहुत बड़ी बड़ी पतंगे यहाँ पर आपको इस स्टॉल पर देखने को मिलेंगी। और ये रंग बिरंगी पतंगे हमारी ज़िंदगी में रंग भर रही हैं, और हमें ये ही संदेश दे रही है कि इंसान ऊंचा उड़ने के लिए बना है, लेकिन ज़मीन पर डोर जो है वो रहनी बहुत ज़रूरी है, ज़मीन पर रहना बहुत ज़रूरी है। सहयोगी लकी सरोज के साथ निशा प्रभा, टुडे हेडलाइंस। आज की कवरेज दिखाने का हमारा मकसद पॉजिटिविटी फैलाना था, क्योंकि हम वो लोग हैं जो ज़िंदगी को हर मुश्किल के बाद भी पूरे संघर्ष के साथ, पूरे नए उम्मीद के साथ जीना जानते हैं, और इसी का नाम तो ज़िंदगी है, क्योंकि चलते रहना ही ज़िंदगी है। और ये ज़िंदगी दौड़ती हुई सड़कों पर हम आपको आज दिखा रहे हैं। लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं टुडे हेडलाइंस टीम की तरफ से, हम आपको लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन लोहड़ी मनाते वक्त ये ध्यान रखें कि कई ऐसे घर हैं जिसमें इस बार लोहड़ी नहीं मनाई जा रही है, कारण चाहे कोई भी हो, हमारे किसान भाई हैं जो सरहदों पर बैठे हैं और लगातार ठंड में वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी लोहड़ी भी, अगली लोहड़ी खुशनुमा हो सके, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें। और गट्टू का प्रयोग जो है वो ना किया जाए, ये जानलेवा हो सकता है। इसी के साथ कैमरामैन लकी सरोज के साथ निशा प्रभा, टुडे हेडलाइन। रागी होम डेकोर, गिव योर होम, ऑफिसेज, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स, सीलिंग, फर्नीचर and door panel, an elegant look. Expert in UV PVC wall, wallpapers, partition jali, wood flooring. आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यवसायिक स्थलों को 100% eco friendly, 100% moisture proof, 100% termite proof, excellent weatherability, sound reducing, fire retardant, recyclable and lightweight जैसी खूबियों से भरी शीट्स, बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540061113।